हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव 29 फरवरी को, देखिए आप सभी बच्चों पेपर है तो पेपर से पहले देखिए आप सभी बच्चों का बुक पार्ट से जितना क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू वो कंप्लीट आपको दो वीडियो में कर। दो वीडियोस क्यों लगे? क्योंकि आप सभी बच्चे एक वीडियो में आधा पूरा सिलेबस, आधा पूरा सिलेबस दूसरा वीडियो में, तो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट मिलते रहे। और साथ ही साथ आप सही बच्चों को सारे के सारे पेपर, आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी पेपर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, कंप्लीट हमारे चैनल पर अपलोडेड, जाके देखिए एग्जाम की तैयारी करिए अच्छे से। देखिए यहां से पहले सवाल अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि जो चैप्टर हमारा द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट चैप्टर से पूछा जाएगा कि आपको उसके लेखक का नाम बताना है, तो एकदम याद रखिएगा लेमेंट चैप्टर के लेखक का जो नाम है वो क्या है बच्चों, वो है एंटोन चेकोव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है द 3 पैसेंजर आस्क्ड हिम टू लीव देम टू, यानी जो 3 पैसेंजर रहते हैं वो किनको बोलते हैं कि उन्हें छोड़ देने के लिए, पुलिस ब्रिज में, पुलिस ब्रिज तक, रिवर ब्रिज तक, सी ब्रिज तक, या फिर इनमें से कोई भी स्थान नहीं है, तो जो तीनों पैसेंजर रहते हैं वो कहां तक छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं कि भाई हमें पुलिस ब्रिज तक क्या कर दो, छोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉल, देखिए यही सवाल हमारे पास, एंटोन चेकोव के द्वारा क्या लिखा गया, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा द लेमेंट लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 में इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह देखिए एक दूसरे को याद करते के सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। आयोना, आयोना क्या है? आयोना वाज एन एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, थीप है, इलिटरेट है, अनपढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आयोना का कैरेक्टर है वो कह सकते कहानी में, डेवलपमेंट में वो किस प्रकार दिखाया गया, एक इलिटरेट यानी अनपढ़ के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया आयोना पोटापोव वाज एन, या फिर दूसरा सवाल इसी पूछ सकता है कि हु इज आयोना पोटापोव, तो कौन थी वो, एक मैजिशियन थी यानी जादूगरनी थी, डामिस्ट्रिस थी, या फिर डांसर थी, या फिर कैब ड्राइवर थी। तो कौन थी आयोना पोटापोव, तो हम लोग जानते हैं वो कैब ड्राइवर थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया इन विंटर नाइट आयोना पोटापोव इज लुकिंग एज, देखिए विंटर के दिन में यानी सर्दी के दिन में क्या कह सकते हैं, आयोना पोटापोव किसका इंतजार करती थी, किसको देख रही थी, घोस्ट को, रोस्ट को, थीप को, या फिर पुलिस को, किसको देख रही थी, ये आप सही बच्चों को यहां पर बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा घोस्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोला है कि व्हाट डिड बर्लिन डाई ऑफ, बर्लिन की जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी। आप मनी हाइस्ट देखने में चल जाइएगा, ठीक है, वहां भी बर्लिन था, वहां बर्लिन का मृत्यु कहानी कुछ अलग था, आपको नया पार्ट देखना पड़ेगा उसके लिए, तो अभी नहीं, 11th का पेपर दे दीजिए उसके बाद आराम देखिएगा। हाई फीवर के कारण, एक्सीडेंट के कारण, ड्राउनिंग के कारण, या फिर स्टार्विंग के कारण। तो जो बर्लिन है उसकी मृत्यु हुई थी हाई फीवर के कारण, तेज बुखार के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों यहां पूछा हुआ है With whom did Iona share his feeling? आयोना जो है अपनी फीलिंग जो है किससे शेयर करता था, ये अपने बताना है। तो उसका जो घोड़ा था उससे फीलिंग शेयर करता था, तो आयोना देखिए अपनी फीलिंग किससे शेयर करती थी, तो अपने घोड़े से वो क्या करती थी, अपनी फीलिंग शेयर करती थी। और घोड़ा कहा है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास डी नंबर लिखा हुआ इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया द हॉर्स। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ आयोना सन, आयोना के बेटे का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो उसी का बेटे का नाम क्या था, बर्लिन था, जिसकी मृत्यु किसी हो गई थी, तो याद रख लीजिएगा हाई फीवर से हुई थी। इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, तो एंटोन चेकोव। कहानी का नाम क्या है, द लेमेंट नाम है। फिर अगला बोला गया ये हमारे पास यहाँ चौधरी छोटू राम के बारे में बोला गया कि चौधरी छोटू राम इज द डैश ऑफ द विलेज, वो गांव का क्या लगता था, ये आपको बताने बोला गया। तो वो क्या था, जिसके नाम समझ में आ रहा है भाई ये चैप्टर किस प्रकार होने वाला है, वो हमारा पेयर ऑफ मॉस्टेचेस वाला, मूछो वाला चैप्टर है। लेखक का नाम क्या होगा, तो मुल्क राज आनंद होगा। लेकिन फिलहाल पूछा गया कि जो छोटू राम बेसिकली वो क्या है, तो गाँव के जमींदार है, यानी लैंड लॉर्ड क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि हु हैड इमिटेटेड खान आजम खान, ठीक है, किसने इमिटेट किया था खान आजम खान को बताना है आपसे को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज यानी छोटू, वही हमारे पास छोटू लाल हो जाएगा, छोटू राम हो जाएगा, या मनी लैंडर, या फिर बिजनेसमैन, या फिर कुली था, कौन था बिजली, किसने आजम खान को इमिटेट किया था, तो वो था कौन हमारे पास, वो हो जाएगा मनी लैंडर, ठीक है, यानी जिसे साहूकार शायद कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया है राजा महाराजा नवाब और इंग्लिश आर्मी, जनरली उनकी जो बियर होते थे यानी दाढ़ी उड़ी कह सकते हैं, बड़े बड़े मोच रखते थे, उस टाइप का रखते, किस टाइप का, तो वो सेट टाइप वो लोग मोच रखने का वो लोग सोचते थे, यानी क्या हो जाएगा लाइन माउस्टेज क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है, द माउस मोस्टेच यानी जो कह सकते चूहे वाली, कह सकते चूहे टाइप का जो मोच रखता है वो कौन रखता था, ये आपको बताना। क्लर्क रखते थे, कूली रखते थे, पीजेंट्स यानी किसान रखते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो राजा रहते वो कौन रखते थे। तो देखिए पहले का हिसाब से कहानी चैप्टर दिया हुआ है, तो जो माउ जो छोटे छोटे मूछ रखते थे, चूहे का मूछ रखते थे, वो गरीब किसान रखते थे। तो ऑप्शन नंबर द पीजेंट्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्या है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी आ पेयर ऑफ मॉन्स्टेज, यानी जो ये पेयर ऑफ मॉन्स्टेज किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा हुआ ये ला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया शॉपकीपर्स एंड प्रॉपर्टीर ऑफ द फर्म है, जो शॉपकीपर्स थे और जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनका जो मूछ होता था वो किस प्रकार का मूछ होता था ये आपको बताना है। तो लोग जो मूछ रखते थे हर कैटेगरी के अलग अलग मूछ रखाता था, तो उन लोग जो मूछ रखा था वो बकरी की तरह था, और बकरी को क्या बोला जाता है, तो गोट बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों से पूछा हो यहाँ पर, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ब्यूटीफुल वोमेन हैव द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर, यानी जो चैप्टर बेसिक हमारे पर द रॉकिंग हॉर्स विनर इसको लिखा किसने, तो याद रखिएगा डी एच लॉरेंस ने इस चैप्टर को लिखा है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि कितने बच्चे थे उस वोमेन के, यानी जो कहानी में महिला हमारे पास, तो उनके कितने बच्चे थे, उनके तीन बच्चे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री इसका राइट आंसर होगा। द नेम ऑफ द मदर चाइल्ड, बच्चों की माता जी का नाम बताना है आपको, उसका माता जी का नाम क्या था। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या होगा हमारे पास, पॉल, पीटर, जॉन। द नेम ऑफ द मदर साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा पॉल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, पॉल वांटेड टू बी लकी विद बल्क इनकम ऑफ, पॉल जो है लकी होना चाहती थी किसके, बल्क इनकम किसका चाहती थी, पैसों का, गोल्ड का, सिल्वर या कोई भी नहीं, तो पैसा चाहेगा भाई जीती हूँ ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर यही द रॉकिंग हॉर्स विनर के लेखक का नाम क्या है, तो हमको बताना है, बताइए आप लोग क्या होगा, किसने लिखा है द रॉकिंग हॉर्स विनर, जो चैप्टर हमारे पास किसके द्वारा लिखा गया है, डी एच लॉरेंस। ऑप्शन देख लेते चलिए हम लोग, ऑप्शन नंबर है ये हमारे पास थ्री में, देखिए अभी जस्ट बताया था, तो ऑप्शन नंबर थ्री होगी इसका राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास, हु वाज बेसेट, बेसेट कौन है आपको बताना है, एक यंग ड्राइवर है, या फिर एक हॉर्स राइडर है, या फिर यहाँ पर बताया गया एक यंग गार्डनर है, या फिर ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है वो है एक यंग सिंगर है। तो बताइए जो बेसेट है वो क्या है बेसिकली, ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए गए बताने के, भैया बेसेट जो है वो क्या थी, तो वो क्या थी, एक हमारे पास कह सकते हैं यंग गार्डनर थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर अगला है, कौन से हॉर्स ने देखिए डर्बी रेस को बेसिकली जीता था बताना है। तो हम लोग जानते हैं मालाबार जो घोड़ा था उसने क्या किया, डर्बी का रेस को जीता था, घोड़ा जो दौड़ होता था डर्बी रेस बोला जाता, ठीक है, तो उस घोड़े उसने कौन से घोड़े ने जीता था, तो मालाबार जो घोड़ा था उसने इस रेस को जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरीबेड्स, देखिए ये भी कहानी देखिए पेपर पूछा जाता है कि इसके लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा आर्थर कोनान डॉयल, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला बी नंबर, यानी आर्थर कोनान डॉयल ने क्या लिखा है, द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरीबेड्स उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास टू टिक कर दीजिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, शेरलॉक होम्स, आपने आयरन मैन का नाम सुना ही होगा, उनका बहुत खतरनाक है मूवी ये भी, शेरलॉक होम्स उनमें क्या बनते हैं वो बताना है आपको, तो डिटेक्टिव का रोल निभाया उसने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, द नेम ऑफ द लॉयर वाज, लॉयर का नेम क्या था, इवान था, नाथन था, या फिर जॉय था, या फिर कोई भी नहीं था, बताइए क्या नाम था लॉयर का, तो लॉयर का नाम इवान था, इवांस था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द फ्रेंड एंड असिस्टेंट ऑफ शेरलॉक होम इज, जो कह सकते हैं शेरलॉक होम का जो दोस्त या फिर असिस्टेंट कौन था, डॉक्टर वाटसन था, या फिर डॉक्टर सिम्पसन था, डॉक्टर डेविड था, या इनमें से कोई भी नहीं था, कौन था भैया हमारे पास, तो डॉक्टर वाटसन था ना उसका दोस्त या फिर कह सकते असिस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द थ्री गैरीबेड्स वार आइडेंटिफाइड है, उस किस प्रकार आइडेंटिफाई किया था, वाटसन को आइडेंटिफाई किया गया था, डेडमैन किसको आइडेंटिफाई किया गया था, वाटसन को, जॉन गैरीबेड को, रॉजर यहाँ पर प्रेसबरी को, या फिर शेरलॉक होम्स को, तो किनको माना गया था डेडमैन, तो जॉन गैरीबेड्स को ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया, पापाचीज मौत इज रिटन बाय, यानी आपके पास चैप्टर है पापाची मौत, ये किसके द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया, तो ये तो हमें मालूम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, चेको वाज स्टडिंग, चेको कहाँ पढ़ता था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला बोला गया, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज पापाजी कैम टू, देखिए गवर्नमेंट सर्विस जब रिटायर हो जाता है पापाजी, तो कहाँ रहने के लिए आता है वो, तो वो आता बेसिकली कहाँ पर, आयनमैन नाम के गांव पे आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आयमान, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल यहाँ पर कि व्हाट डज एंटोमोलॉजी, देखिए एंटोमोलॉजी मतलब होता है हमारे पास कीट विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं, तो कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, या जो पढ़ता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो पापा जी ये हो जाएगा हमारे पास स्टडी ऑफ
इंसेक्ट। फिर मामाची ने देखिए क्या बनाया था, तो उसने अचार बनाया था। ये देखिए आया हुआ सवाल, ये सब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पापा जी की जो मृत्यु होती है वो किससे होती है ये बताना है आपको। तो पापा जी की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी, हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोला है मामाची हैज स्टार्टेड मेकिंग, मामाची देखिए क्या बना रहा था ये आपको बताना है। तो आप लोग एकदम आराम से चैप्टर पढ़े हुए भाई लोग, क्या बनाता है वो, पिकल्स बनाता है यानी कि अचार बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पापा जी वाज अ साइंटिस्ट, पापा जी जो था वो एक साइंटिस्ट था, कहाँ पर था। देखिए एकदम आराम से पढ़ेंगे ना एकदम सब कुछ याद हो चलेगा, भाई कहाँ साइंटिस्ट था, तो पापा जी से पीछे याद रख लीजिएगा। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो क्या करता था, एक साइंटिस्ट का रोल था, क्या था, एंटोमोटोलॉजिस्ट था। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कीट कह सकते हैं कीट विज्ञान का जो स्टडी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर अगला बोला है तो पापा जी वाज क्या था, तो आराम से टिक कर दीजिएगा, एंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए सब चैप्टर हम समझते चलेंगे। अगला बोला गया क्या सवाल है कि मिसेस यहां पर क्रॉप्स रेसिडेंट वाज, मिसेस जो क्रॉप्स का जो रेसिडेंट यानी आवास था वो कहां था ये आपको बताना है। डर्बी लाइब्रेरी में था, यॉर्क लाइब्रेरी में था, लैन लाइब्रेरी में था, या फिर इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। तो मिसेस जो क्रॉप्स का रेसिडेंट था वो कहां था, चैप्टर कौन सा हमारे पास, तो द थर्ड एंड फाइनल कंटेनमेंट है, जिसको किसने लिखा है, तो झुंपा लहरी जी ने लिखा, ये इनका चैप्टर आपको याद हो गया। जो जो बोला देखिए चल हम लोग पढ़ते चलते हैं, ठीक है। कहाँ होगा मिसेस जो क्रॉप्स का रेसिडेंट था वो कहाँ पता बच्चों, तो वो था डर्बी के लाइब्रेरी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए नंबर इसका सही जवाब हो गया। अगला बोला है बेंगोलीज हैज बीन रेफर्ड, यानी इस चैप्टर में देखिए बेंगोलीज को जो रेफर किया गया है वो किस रूप में, पेनिलीज के रूप में, जॉबलेस के रूप में, कैशलेस के रूप में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस चैप्टर में यानी जो थर्ड एंड द फाइनल कंटेनमेंट है, इस चैप्टर में जो बेंगोलीज को देखिए रेफर किया गया है वो एक पेनिलीज के रूप में रेफर किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोटोगनिस्ट या फिर प्रोटोगनिस्ट सन इज स्टडिंग इन, प्रोटोगनिस्ट का जो बेटा था वो कहाँ स्टडी करता था, तो याद रख लीजिएगा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या करता था, पढ़ता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टू नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है द ऑथर, यानी देखिए हमें ये पूछा हुआ है द थर्ड एंड द जो फाइनल कंटेनमेंट है बेसिकली चैप्टर स्पेंड द फर्स्ट एंड, वो अपना पहला जो कहते हैं रात जो होता है YMCA में कहां पर बिताता है, इन सेंट्रल स्क्वायर में 10 डिग्री, या फिर 10 कॉमा डाउनिंग स्ट्रीट में, व्हाइट हाउस में, या फिर बर्मिंगम प्लेस में। और बर्मिंगम स्पेलिंग गलत था पहले बता देता हूं, यहां पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। तो यहां पर बताया गया कि वो अपना रात कहां गुजारता है YMCA में, तो सेंट्रल स्क्वायर में वो अपना रात क्या करता गुजारता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला है द थर्ड एंड द फाइनल कंटेनमेंट ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया, वही बताया झुंपा लहरी जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा हमारे पास। फिर बोला गया द नेटिव प्लेस, यानी उनका मूल जो निवास था प्रोटोगनिस्ट का वो कहाँ था, तो कोलकाता से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैलकाटा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया सत्यजीत वाज गिवन अ वार्म वेलकम, सत्यजीत जी को देखिए किसने एक वार्म वेलकम दिया था ये आपको बताना है। आपको हरिनाथ है, श्रीनाथ है, देखिए नाम का स्पेलिंग भी याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि श्रीनाथ का देखिए अगर देखिएगा तो दो स्पेलिंग लिखा हुआ है और एक सहनाथ है आपके पास, लेकिन उनका एक अच्छा अभिवादन उनसे किसने किया था, तो श्रीनाथ था, स्पेलिंग क्या था, SRINATH याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, थ्री नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला है शांतिपुर इज अ विलेज इन, शांतिपुर जो विलेज है वो कहाँ पर है, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है हमारा। तो शांतिपुर जो विलेज है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता था बच्चों, याद रख लीजिएगा ये साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है सत्यजीत जो रे है बेसिकली अपने जीवन का जो करियर है वो किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं ये आपको बताना है, एक बैंक क्लर्क के रूप में, या फिर टीचर के रूप में, या फिर डॉक्टर या सेल्समैन। तो अपना जीवन का जो स्टार्टिंग करते हैं वो किस प्रकार करते हैं बच्चों, तो एक बैंक क्लर्क के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर बोला गया द प्रोटोगनिस्ट या फिर द प्रोटोगनिस्ट ज्वाइन द बैंक, जो प्रोटोगनिस्ट है वो बैंक को ज्वाइन करता है क्लर्क के रूप में, स्वीपर के रूप में, ड्राइवर के रूप में, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो जो प्रोटोगनिस्ट था वो किस प्रकार बैंक ज्वाइन करता है, क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए हमारे पे जो चैप्टर है लंचियन, ये किसके द्वारा लिखा गया पहले याद रखिएगा, तो विलियम समरसेट मॉगम के द्वारा लिखा गया। तो यहीं पर पहला ही सवाल आपका टिक हो जाता है कि जो लंचियन के बेसिकली जो राइटर है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम समरसेट मॉगम के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, टू नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द ऑथर सॉ द लेडी अफ्टर द, यानी ऑथर ने जो लेडी को देखा था कितने टाइम के बाद देखा था ये बताना है, 20 साल, 30 साल, 10 साल, या फिर कितने साल, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑथर ने उस लेडी को कब देखा था, तब लगभग 20 साल बाद देखा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 20 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है द लेडी एंड रेस्टोरेंट विश टू हैव, यानी जो बेसिकली लेडी जो है यहाँ चैप्टर में बताया गया वो रेस्टोरेंट में उनका क्या इच्छा था खाने का, फिश, कैवियर, सैम्पेन या फिर इनमें से सभी कथन जो हमारे पास वो सही है। तो देखिए लेडी की इच्छा सब कुछ थी, फिश का भी थी, कैवियर भी थी, सैम्पेन भी थी, तो सभी ऑप्शन सही, इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है रेस्टोरेंट का, देखिए नाम पूछा गया तो याद रख लीजिएगा उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था बच्चों, तो फॉयट रेस्टोरेंट नाम था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला हमारे पे वही सवाल देखिए, खाली घुमा के देखिए पूछ दिया गया कि जो इन विच रेस्टोरेंट जो फ्रेंच सेनेटर बैठते थे कहाँ बैठते थे भैया, तो फॉयट रेस्टोरेंट में बैठते थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है वेयर इज द बर्ड, यानी अब हमारे पास देखिए यहाँ से जो चैप्टर शुरू हो रहा है ये पोएम सेक्शन है और पहला जो हमारे पास सवाल है ये द पीकॉक चैप्टर से जिसको लिखा किसने, सुजाता भट्ट जी ने लिखा है। तो यहाँ पूछा गया वेयर इज द बर्ड, बर्ड कहाँ पर है ये आपको बताना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए, द बर्ड इज इन द हाउस, द बर्ड इज इन द पीपल ट्री, और पीपल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, पी डबल ई पी एल होगा यहाँ पर, द बर्ड इज इन द ट्री के ऊपर बैठी हुई है या फिर मैंगो ट्री में, कहाँ पर है हमें बताना बर्ड के बारे में चैप्टर से। तो बर्ड जो है यानी जो हमारे पास चिड़िया है यानी किसके बारे में बात किया जा रहा है, पीकॉक के बारे में बात किया जा रहा है, चिड़िया कहाँ पर है बच्चों, तो वो बेसिकली कहाँ पर है, तो पीपल ट्री में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा टू नंबर इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर है द पोएट, ये जो पोएम है हमारे पास द पीकॉक, ये किनके द्वारा लिखा हुआ अभी मैंने आपको बताया सुजाता भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा वन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द पैटर्न ऑफ द टेल ऑफ पीकॉक, यानी देखिए आपने कैसे थे मोर के पूछ पे या पे कैसे पंख पे आपने एक डिजाइन देखा होगा, वो डिजाइन किसकी तरह होता है, तो आप खुद बताइए एक आपने क्या देखा वहां जो डिजाइन होता है भाई, वो आंखों की तरह होता है, गोल गोल होता है इस टाइप का, आंख की तरह दिखता है ना, तो आंखों इंग्लिश में क्या बोला जाता है आइज बोला जाता है। अगला है व्हाट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द बर्ड पीकॉक, यानी क्या इंडिकेट करता है कि भैया हमारे पास मयूर पंछी जो आ रहा है, आप बताइए आपने देखा होगा मयूर तभी आता है जब बारिश होने का संभावना रहता है, तो वही तब इष्ट मिलता है, यानी हमारे पास क्या होगा जब आसमान में चारों तरफ विंड होंगे हवा देगा, द स्टडी होम ऑफ बी स्टॉक, यानी हमारे पास जो बी भनभनाना जो होता है मक्खी का वो बंद हो जाए या फिर विंड जो होता है डायरेक्शन जी का, दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थ्री नंबर इसका राइट आंसर होगा। द पीकॉक यानी पीकॉक जब अपना पूछ को बीच हिलाता है क्यों करता है ये बताना है, गैदर हिज टेल टू डांस, जंप कर लिए सीट करने के लिए, घूमने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टर्न अवे, घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है द पोएट, देखिए ये हमारे पास अगला पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूएंट्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारे पास क्या हो जाएगा विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास ये अच्छा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू इवेंट्स, ये जो हमारे पास चैप्टर है ये किस प्रकार का पोएम है, एक नेचर का पोएम है या फिर हमारे पास एक मेटाफिजिकल पोएम है या फिर एक लव पोएम है या फिर कोई भी नहीं यहाँ पर, तो हमारे पास ये किस प्रकार का पोएम बच्चों, तो एक प्यार भरा कह सकते हैं पोएम है, तो लव पोएम क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट, विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट क्या थे ये आपको बताना है, तो एक बहुत अच्छे पोएट फेमस पोएट भी और साथ ही ड्रामेटिस्ट भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या बैठ जाएगा इसके लिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास पोएम से ही है कमिंग पोएम से, ये पोएम जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिलिप लार्किन के द्वारा लिखा गया और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ इसी में कि इन द पोएम कमिंग अ पर्सन चाइल्डहुड से कंपेयर टू, जो पर्सन का चाइल्डहुड है वो किससे कंपेयर किया जाता है, तो एक कह सकते हैं सुनसान या फिर कह सकते हैं जो इस इलाके में पूरा सूखा पड़ जाता है, एक बेयर गार्डन के रूप में वहां पर से कंपेयर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया आपसे द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इन द गार्डन इज द सिग्नल ऑफ, जो कैसे चिड़िया का जो गाना हो रहा है वो किसका सिग्नल बताता है हमें, द एडवेंट ऑफ समर सीजन, समर सीजन एडवेंट बता रहा है, रेनी सीजन स्प्रिंग या फिर कौन सा विंटर सीजन बता रहा है, तो कौन सीजन का एडवेंट बता रहा है हमें, तो वो है हमारे पास स्प्रिंग सीजन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थ्री नंबर इसका राइट आंसर होगा। और ये हमारा आज का 61 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में पोएम और बाकी जो बचे हुए चैप्टर आपसे बच्चों का जो स्टोरी बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करेंगे, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो शेयर करने में कोई भी कमी नहीं चाहिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।